सुन कुछ भी नहीं मेरे कान में तो चौवा चौवा हो रही है जैसे मुसा को काटने हेलो पलंग नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। और गाइज अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और मुझे अभी पहले जाना है पिलखोली, वहाँ पर निमंत्रण बनाना, उसके बाद जाऊँगा मैं हल्द्वानी और आज शाम को मैं हल्द्वानी स्टे करूँगा क्योंकि कल को वहीं पर एक दूसरी शादी अटेंड करनी है। इसलिए धूप बड़ी मस्त आ रही है आजकल और सारे पौधों ने भी अपने कलर बहुत सारे चेंज कर लिए हैं। जो पतझड़ वाले पौधे हैं उनके पत्ते अब लगभग गिर चुके हैं, गाड़ी से जाएंगे। कल गाड़ी धुलवाई नहीं थी मैंने, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। आज वहाँ पर अगर खाली होगा तो ज़रूर धुलवाऊँगा। सूर्यदेवता के प्रचंड दर्शन हो रहे हैं। कल रात को ना यहाँ पर बाघ भी आया था, ये घर के ठीक नीचे से ही था और 3-4 काकड़ थे, ऊपर से काकड़ बास रहे थे, नीचे से बाघ कर रहा था अपना आतंक, खतरनाक वाला, मतलब माहौल बहुत खतरनाक बनाया था कल रात को। सो गाइस मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं पिलखोली, ये पिलखोली स्टार्टिंग मार्केट है। मैं पहुंच चुका हूं शादी वाले घर पे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। गणेश जी और मूषक महाराज जी को मैं प्रणाम करते हुए चलो फिर आगे बढ़ रहा हूँ। और ये है शादी का मेन गेट, आमा मिल चुके मुझे और सीधे लेके चले गए खाना खिलाने के लिए। तो जो हमारे आमा बुबू होते हैं ना, उनका प्यार एक अलग ही लेवल का होता है, वो तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक आपको खाना खिलाना दे। और यहाँ पे आमा सभी लोगों से मिल रही है। साउंड बहुत ज़्यादा तेज था जिसकी वजह से मैं साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो फिलहाल मैं और आमा घूम ही रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं क्योंकि मिले भी बहुत समय के बाद हैं, कम से कम 1-1.5 साल हो गया नहीं मिले हुए। ये देख लो कितनी प्यारी है ना मेरी आमा, इतनी सुंदर है मेरी आमा देख लो। अभी बुबू नीचे वाले घर पे चले गए थे तो बुबू से मुलाकात नहीं हो पाई कैमरे में, बट अभी आमा को देख लो कितने सारे जानने वाले मिल गए। तो आमा कर रही है पहला जूजा, दाढ़ी मोटी करते हुए, तो ये है घर का एक सुंदर सा दृश्य जो आप अभी देख रहे हैं। आमा को मिल गए बहुत सारी मिठाई के डिब्बे और बिस्किट, तो अब आमा लेके जा रही है नीचे कमरे में और मैं भी साथ में चल रहा हूँ। ये देख लो लोग कितनी मेहनत करते हैं ना, और साथ में डेकोरेशन के साथ साथ ये पेड़ देखो गमले में लगा रखा है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब टाइम हो चुका है फोटो शूट का। पहाड़ के जो महिला है ना वो पिछौड़े में और जो उनका नथ वगैरह गहने वगैरह होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये बुआ जी से भी मेरी आज मुलाकात हो गई फाइनली बहुत टाइम के बाद, हमारे गांव की हैं बट मैं आज पहली बार मिला हूँ। अब आ चुके हैं ढोल वाले, तो ढोल वालों के साथ इतनी तेज़ साउंड था ना, तो यहाँ पे कान तो ऐसे हो गए थे बिल्कुल बंद जैसे। और साथ में आमा यहाँ पे एक आर्ट बना रही है। बारात लगभग रेडी हो चुकी है बट जितने लोग आ रहे हैं उनको पिठा लगा रहे हैं अंकल जी। ये देख लो साउंड तेज होने की वजह से कान बंद कर दिए बच्चों ने, तो फिलहाल तैयारी हो रही है शादी की और मतलब बारात की यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है और बारात जा रही है हल्द्वानी गोलापार। तो गाइस अभी तो बारात यहाँ पर रेडी हो ही रही है और बारात जब तक रेडी होती है मैं फिलहाल आगे आगे निकल रहा हूँ और बारात भी निकलने वाली है ऑलमोस्ट, तो अब तो हल्द्वानी जाकर के मिलेंगे आराम से। पहाड़ों में ना आपको जगह जगह बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप बिना कैमरा रिकॉर्ड करे हुए आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। और फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ भीमताल। तो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं गोलापार और गोलापार का नतीजा, अभी बारात यहां पर आई नहीं है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फिलहाल यहां पर चाय पानी की व्यवस्था हो रखी है जो भी पहाड़ों में अलग से ही होता है, मतलब सभी जगह होता है, थोड़ा बारात घर से थोड़ा सा दूर में रेस्ट हाउस जो भी रहते हैं।
अभी थोड़ी देर तो गाइस लगभग एक घंटा हो चुका है कि इनको नाचते नाचते और फिर भी नाचने में ही है सभी लोग। फिलहाल चलो आगे देखते हैं। सब जने को तो खुश है कि देखना था मोटी गड्डी लेकर अल्लाह तो झगड़ कराना चाहिए सब जने। तो सभी का अभी तक पंगा हो रहा था कि नहीं हम तो बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं हटेंगे। देखो मोटी सी गड्डी मिल गई, अभी भी ये राजी नहीं है बट ठीक है सुलझ गया मामला। तो कुछ फोटो शूट करने के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया गया, साइकिल और साथ में एक कलरफुल दिल यहाँ पर है, सब लोग फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोग फटाफट अंदर आने का इंतजार कर रहे हों और फिलहाल सभी लोग पहुँच के स्टेशन पर खाना खाने के लिए जा चुके हैं कई सारे लोग। जैसे कि आजकल फास्ट फूड जो है ना बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, फास्ट फूड सबसे ज़्यादा चलता है, यहाँ पर फिलहाल खाना लगा हुआ है। लेडीज सेक्शन सारा फास्ट फूड पे है। हाँ अकेले अकेले खा रहे हो, बताओ इंतजार कर लेते हैं साथ ही खा लेते हैं। क्या खा रहा है? टिक्की। ये टिक्की हुई। कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है एकदम। चाइनीज आइटम में सारी लेडीज चाइनीज आइटम में और जितना फूड वाले आइटम में सारे जेंट्स खड़े हुए हैं। चलो फिर आजा कुछ लेते हैं। अभी हम लोग लेंगे एक गुलाब जामुन दो लोग के। तो गाइस फिलहाल कान हो गए हमारे सुन और 10 बज चुके हैं। 10 बजे के बाद क्या होता है कि यहाँ पर डीजे बंद हो जाता है, जैसे शहरों का रूल होता है तो उसके बाद नहीं बजाने देते, लेकिन अब फिलहाल कल सुबह तक कान ऐसे ही करेंगे। झन वाला सीन हो रहा है कानों में, बहुत खतरनाक। और फिलहाल यहाँ पर सब शांत हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी तक बिल्कुल भरा हुआ था ना वो बिल्कुल खाली हो गया। अब सब लोगों का इंतजार है कि दुल्हन और दूल्हा आए और जयमाला हो और फिर उसके बाद सब लोग घर को जाएं जिनको जाना है। ये देखो वो क्या होता है जानवर
क्या इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार? कान कम कल नहीं कराना है तुम्हारा? सुन, कुछ भी नहीं, मेरे कान में चौं चौं हो रही है। जैसे मुसा को काटने हो ना उसे हेरो में कान महल भयंकर मंगल आवना आज रात भर ये सब आलम। यहाँ पे जो है ना रिश्ते समझाए जा रहे हैं, रिश्ते। तो भाई सबका इंतजार खत्म हो चुका है और दुल्हन आ चुकी है धीरे धीरे कदमों से। तो गाइस हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं। कान हो रखे हैं सुन, बिल्कुल एकदम रॉकिंग, मतलब ऐसा हो रखा है ना बिल्कुल बंद है। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं और रिश्तेदार भी हैं। रिश्ते में वैसे तो मेरे मामू लगते हो और ऐसे तो हम भाई पहले हैं तो हम भाई का ही रिश्ता मानते हैं, उससे आगे नहीं। तो फिलहाल शादी में हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब यहाँ से मैं तो निकलता हूँ, भाई साहब यहीं रुकेंगे, कल मॉर्निंग में निकलेंगे। कल मॉर्निंग में फिर एक शादी साथ ही अटेंड करनी है और अलग अलग करनी है, मतलब हाँ कल भी फिर इधर ही, और फिर उसके बाद शाम को देखते हैं कि एक ही जगह जाते हैं या अलग अलग जाते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे, बाय, सी यू। तो भाई अब मैं और चाचा जी यहाँ से निकलते हैं वापस घर की तरफ, आराम से सो जाएंगे, शाम को एक ब्लॉग एडिट करके सोना है यार, वो भी क्योंकि कल सुबह के लिए तो ब्लॉग चाहिए। ये तो खैर एक दिन छोड़ करके आएगा, तो फिर चलो निकलते हैं फटाफट और फिर सो जाएंगे। ठीक छो, बाय, गुड नाइट। नी हसें दू ते बिना माछी।